का पूरा इंटीरियर इसके अंदर कस्टमाइज कर दिया गया है, जिसके अंदर भाई डोर पे देखोगे सॉफ्ट टच वगैरह लगा दिए प्रॉपरली, यहाँ पर भी अपना सॉफ्ट टच लगा दिया है। हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। आज अपने पास फिर से आई हुई है भाई मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स। भाई इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है गाड़ी, डेली आना ही आना है इसको फ्रोंक्स को। भाई काम हो रहा है इसका, प्रमोद कार एस सीरीज पे। आपको पता है भाई, अगर अच्छे प्राइस के अंदर कोई एस सीरीज चाहिए या फिर मॉडिफिकेशन करानी है फ्रोंक्स के अंदर, प्रमोद कार एस सीरीज पे आ जाओ भाई गाड़ी लेके, एक नंबर का काम मिलने वाला है। भाई फ्रोंक्स का ही डेल्टा प्लस वेरिएंट है, तो आज इसके अंदर अभी आप देख रहे हो पूरी की पूरी गाड़ी खुली हुई है भाई। क्योंकि आपको पता है भाई, अगर गाड़ी के अंदर काम होना है और अच्छी मॉडिफिकेशन करानी, तो भाई गाड़ी तो खुलवानी ही पड़ेगी इसके अंदर। तो भाई अभी आप देख सकते हो इसकी सीट वगैरह सारी की सारी बाहर निकाल के रख रखी है। वो मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि भाई जैसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ना कंपनी से आ जाती है, जैसे स्टीरियो वगैरह आ जाता है। बट लेकिन अभी इसके अंदर भाई एम्बियंस लाइट इंस्टॉल हो रही है, फ्लोरिंग इंस्टॉल हो रही है, यहाँ पर आर्मरेस्ट लग चुका है भाई। इसके अंदर सीट कवर लगने वाले प्रीमियम क्लास के अंदर। कि भाई अगर बाहर से बात करते हो तो फ्रंट में लेके चलते हो अब, तो भाई अभी ना आपको फ्रोंक्स फ्रंट से बहुत ज़्यादा सूनी सूनी सी दिख रही होगी। बताओ क्यों, क्योंकि अभी इसके अंदर ना एरो किट इंस्टॉल नहीं हुई। जब एरो किट इंस्टॉल हो जाएगी ना, जो अपनी यहाँ पर किट लग जाती है प्रॉपर और यहाँ पर साइड में आ जाती है फेंडर वगैरह पे, उससे भाई लुक इनहांस होती है असली वाली जो कार्बन फिनिश के अंदर आती है ना। अभी इसके अंदर साइड बिडिंग भी इंस्टॉल होने वाली गाड़ी के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो ना, इधर की साइड बिडिंग नहीं लगी इधर की साइड, और अगर आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ उधर की साइड लग चुकी है। तो भाई साइड बिडिंग से ना काफ़ी लुक इनहांस हो जाती है, देख रहे हो क्रोम वाली प्रॉपर लुक इनहांस करने वाली होती है भाई, क्रोम लाइनिंग के साथ आ जाती है अपनी। पीछे वाले डोर पर देखोगे यहाँ पर भी लग चुकी है, तो ये रहता भाई, इससे थोड़ी हैवी हैवी सी फील निकल के आती है। बाकी गाड़ी के अंदर रेयर में आ जाते हैं, तो भाई रेयर में अभी इसके अंदर एक कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पर, और बाकी भाई गाड़ी के अंदर एक कनेक्टेड टेल लैंप लग रही है, जो कि यहाँ पर देख रहे हो पूरी की पूरी खुली हुई है। तो कनेक्टेड टेल लैंप के लिए ना भाई ये पूरा का पूरा पार्ट चेंज होता है, तब जाके कनेक्टेड टेल लैंप लग पाती है। ये वाला जो लाइट का पार्ट रहता है ये रहता है यहीं पर, बाकी सेंटर वाला पूरा चेंज हो जाएगा अभी। तो भाई कनेक्टेड टेल लैंप लगने के बाद पीछे से गाड़ी की एक नंबर की मस्त लुक निकल के आने वाली है। बाकी यहाँ पर इसकी सीट रखी हुई है, सीट कवर चढ़ जाएंगे अभी इनके ऊपर, तो भाई गाड़ी के अंदर कुशनिंग भी अपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। सीट कवर से रहेगा भाई, लंबे टूर पे जा रहे हो तो आपको कंफर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अभी भाई गाड़ी के अंदर काम होने देते हैं, फिर आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से A to Z चला के। तो भाई जो इसके अंदर कनेक्टेड टेल लैंप इंस्टॉल हो रही है ना भाई फ्रोंक्स के अंदर, वो यहाँ पर भाई लगाने लग रहे हैं। पहले भाई ये वाली आती है इसके अंदर ना, जिसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड होती है, जिसकी लाइट नहीं जलती, बट लेकिन अभी इन्होंने ये वाली इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर, जो कि भाई प्रॉपरली लाइट वाली वर्क करने वाली है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो अभी जब लग जाएगी ना तो लाइट जलेगी इसके अंदर भाई, रात के टाइम पर बड़ा ही मज़ा बांध देती है जो कनेक्टेड टेल लैंप होती है ना। पहले ये वाली आती थी, इसको चेंज करके ये वाली लगा दी भाई, मज़ा आ जाएगा। अभी लगने देते हैं, प्रॉपर प्रोसेस दिखाते हैं भाई। वायर कटिंग वगैरह तो नहीं होती कोई इसके अंदर? नहीं नहीं, वायर कटिंग नहीं होती, नॉर्मल कपलर टू कपलर रहता है, कपलर टू कपलर रहेगा भैया। आपको दिखा भी देता हूँ लगते हुए कैसे लगती है। अभी जरा इनको नट वगैरह कस लेने देते हैं। तो ये देखो भाई, ये वाली ना प्रॉपर लाइट चेंज होकर इस पैनल के अंदर फिट हो जाती है, और पूरा का पूरा पैनल चेंज हो जाता है। कहने वाला ये वाला पैनल चेंज होता है, ये जो बॉडी का पार्ट है ये तो अपना पहले वाला ही रहता है, ये अपना ईजिली इन्होंने लॉक पे बिठा दिया। बाकी यहाँ पे नीचे से नट टाइट हो जाएंगे और कपलर लगा देंगे अंदर से। ये देखो भाई, ये होता है इसका कपलर, जो कि अपना कनेक्टेड टेल लैंप को ऑन करवाता है। यहाँ से इसका कपलर लग गया भाई, अभी हो जाएगी प्रॉपरली ऑन। अब ब्रेक लाइट वगैरह के साथ सारी चीज़ के साथ वर्क करने वाली है अपनी कनेक्टेड टेल लैंप। ये इतना ईजी सा प्रोसेस रहता है भाई इसको लगाने के लिए। तो भाई फ्रोंक्स के अंदर काम चल ही रहा है, इतने में दूसरी फ्रोंक्स भी आ चुकी है भाई। दीपक कार है सीरीज पे, ये वाली देख रहे हो, ये लग जाएगी भाई अभी यहाँ पर आके। इतने में इस वाली गाड़ी के अंदर काम चल ही रहा था, ये दूसरी वाली भी भाई अपनी डेल्टा प्लस ही आई है यहाँ पे। तो भाई कहने मतलब दो दो फ्रोंक्स, तीन तीन फ्रोंक्स लग चुकी है, एक दिन में जा चुकी है भाई काम होने के बाद। अब ये दूसरी आ चुकी है, कहने मतलब भाई फ्रोंक्स लेके आपको सीधा आना प्रमोद कार एस सीरीज पे, बढ़िया काम मिलने वाला है, आपको खुद ही पता लगी होगी भाई देखने के बाद। तो भाई वहाँ पर वो पहले वाली फ्रोंक्स खड़ी है, अभी दूसरे वाली आई है भाई राजस्थान से। अभी इसके अंदर जो भाई काम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि सेम वाली फ्रोंक्स के अंदर होता है ना उस वाली के अंदर, वैसा इसके अंदर कुछ कुछ काम होने वाला है। इंटीरियर वगैरह टैन हो रहा भाई इसके अंदर, और सीट कवर वगैरह वो भी टैन हो रहा है भाई। कहने वाला जैसा उस वाली फ्रोंक्स के अंदर अभी आप काम देख रहे हो ना चल रहा है, बस उसके अंदर अभी कंप्लीट होने वाला है, वही वाला सेम काम इस वाली फ्रोंक्स के अंदर भी होने वाला भाई। और कहने का मतलब है फ्रोंक्स के अंदर भाई बहुत बढ़िया काम मिलने वाला है, अगर आप प्रमोद कार एस सीरीज पे लेके आओगे ना गाड़ी, मजा आ जाएगा भाई। तो भाई अभी हो चुका अपनी फ्रोंक्स के अंदर पूरा का पूरा भाई प्रीमियम लेवल का काम, जो कि मॉडिफिकेशन हुई है ना भाई, एक नंबर का मजा आने वाला भाई। बहुत ही तगड़े लेवल पे काम किया इंटीरियर के अंदर। बाहर से आपको गाड़ी के अंदर ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट लेकिन इंटीरियर के अंदर ना बहुत तगड़ी मॉडिफिकेशन हो चुकी है भाई। बाहर से इसके अंदर मैंने आपको कहा था एक किट इंस्टॉल हो रही है, जो कि यहाँ पर अपने साइड पे फेंडर पे आ जाती है, जिसपे कार्बन फिनिश और रेड कलर की स्टिचेस वगैरह मिल जाती है अपने को। उसके बाद भाई ORVM पे क्रोम इंस्टॉल करा है इसके अंदर। बाकी भाई डोर वाइजर गैलियो कंपनी के है, ब्लैक कलर के अंदर विदाउट क्रोम लाइनिंग के साथ। ये आपकी पर्सनल चॉइस रहती है भाई। इंटीरियर में देख रहे हो, अभी तो लेके चलूंगा, पहले बाहर बाहर से दिखा देता हूँ।
अब आ जाते हैं भाई मेन रेयर के अंदर, तो आपको भाई लग रही होगी ना फ्रॉन्क्स बिल्कुल प्रीमियम लेवल की मॉडिफाइड भाई पीछे से। भाई इसके अंदर कनेक्टेड टेल लैंप लगा दी है, नीचे की साइड भाई रिफ्लेक्टर लगा दी है जो कि इंडिकेटर के साथ भी वर्क करते हैं, ब्रेक लाइट के साथ भी वर्क करते हैं, और अपना प्रॉपरली टेल लैंप के साथ भी जलते हैं। जैसे अभी टेल लैंप जल रहे हैं ना तो साथ में ये भी जलते हैं भाई, एक नंबर की लगती है भाई लुक। अब आपको लेके चलता भाई गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, और इंटीरियर में मेन मॉडिफिकेशन हुई है आपको यहाँ पर भाई डोर पे देखने से ही पता लग रही होगी। ये देख रहे हो भाई क्या तगड़ी लेवल की मॉडिफिकेशन लग रही है भाई फ्रॉन्क्स के अंदर। अब ये देखने पे आपको भाई मज़ा आने वाला है, तो दिखाता हूं भाई क्या क्या हुआ है। सबसे पहले भाई गाड़ी के अंदर प्रॉपर लेदराइट फिनिश से ऊपर प्रीमियम क्वालिटी आती है, उसके अंदर सीट कवर इंस्टॉल करे भाई बीच कलर के अंदर, और भाई इसके ऊपर अपनी ब्लैक कलर की स्टिचेस वगैरह लगा रखी है व्हाइट और ब्लैक सी, भाई काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। जो सीट कवर देखोगे ना आप भाई बड़े प्यारे से लगने वाले हैं। उसके बाद भाई सेम सीट कवर के कलर के अंदर अपना पूरा का पूरा इंटीरियर इसके अंदर कस्टमाइज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर भाई डोर पे देखोगे सॉफ्ट टच वगैरह लगा दिया है प्रॉपरली, यहाँ पर भी अपना सॉफ्ट टच लगा दिया है डोर के अंदर। और इसके बाद भाई यहाँ पर जो डैशबोर्ड के अंदर देख रहे हो ना यहाँ पे भी आ जाती है प्रॉपर, और इसी कलर के अंदर भाई सेम अपना स्टेयरिंग रैप करा है जो कि बीज और ब्लैक कलर के अंदर है, और ये जो साइड में देख रहे हो भाई यहाँ पर भी अपनी पूरी की पूरी इसके अंदर लेदराइट फिनिश लगा दिया भाई चारों के चारों डोर्स के अंदर। पीछे वाली सीट भी देख सकते हो आप इस टाइप की कलर निकल के आता है इसके अंदर प्रॉपरली बीज एंड ब्लैक कलर के अंदर है। और भाई उसके बाद गाड़ी के अंदर प्रॉपर प्रीमियमनेस देने के लिए भाई गाड़ी के अंदर एम्बियंस लाइट इंस्टॉल करी है, जो अपनी चारों के चारों डोर्स के अंदर डैशबोर्ड के अंदर फ्रंट वाले से लेके भाई रेयर तक देखोगे गाड़ी के अंदर चार चांद लगा देते हैं भाई रात के टाइम पे। बिना एम्बियंस लाइट के आपको भाई मज़ा नहीं आएगा गाड़ी के अंदर, जब आप एम्बियंस लाइट लगवा लोगे ना ऐसा लगेगा आप 20-25 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर बैठे हो, और कोई रिश्तेदार या फिर कोई आपका दोस्त वगैरह गाड़ी में बैठेगा ना वो कहेगा भाई मज़ा आ गया गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। अब इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, फ़ोन से ऑपरेट हो जाती है प्रॉपरली, और इसके अंदर एक टच बटन मिल जाता है अपने को जो कि इधर की साइड लगाया गया है। ये देखो भाई इधर अपना टच बटन लगाया है इसके अंदर, जिसको बटन दबाएंगे तो यहाँ से अपना कलर भी चेंज हो जाएगा एम्बिएंट लाइट का, जोन से कलर करना चाहोगे वो वाला कलर आप कर सकते हो भाई बटन दबाने से। कहने का मतलब भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी लगती है। उसके बाद भाई गाड़ी के अंदर एक फ्लोरिंग हुई है जो कि आगे से लेके प्रॉपर पीछे तक जाती है भाई। फ्लोरिंग का ये फ़ायदा रहता है कल को आपकी गाड़ी में कुछ भी लिक्विड वगैरह गिर जाता है तो भाई इस पर आप इजीली गीला कपड़ा मारोगे साफ़ हो जाएगी पूरी की पूरी फ्लोरिंग। इसके अंदर क्या होगा भाई कोई भी धूल मिट्टी वगैरह अगर आ जाएगी ना गाड़ी के अंदर पैरों से लग के तो ईजिली क्लीन हो जाएगी, जो इसके नीचे का कारपेट होता है ना वो क्लीन नहीं हो पाता, उस पर मिट्टी चिपक जाती है, बट लेकिन इस पर कपड़ा मारोगे बड़े प्यार से क्लीन हो जाएगी भाई गाड़ी पूरी की पूरी। फ्लोरिंग का ये फ़ायदा रहता है। बाकी भाई इसके ओरिजिनल स्टीरियो के अंदर ना कैमरा ऐड करा है, एक बार आपको उसकी क्वालिटी दिखाता हूँ जरा कैसी क्वालिटी निकालता है। तो ये देखो भाई इस टाइप की अपनी कैमरे की क्वालिटी निकल के आती है। इसके अंदर रिवर्स गियर डाल के दिखा रहा हूँ आपको, नॉर्मल ये है, ये अपना रिवर्स गियर पे क्वालिटी निकल के आती है। अभी पीछे अंधेरा हो रहा है पर भाई फिर भी इसके अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी निकल के आ रही है रात के टाइम पे, काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी भाई पूरे के पूरे इंटीरियर के आप लुक देख सकते हो, ये पूरा इंटीरियर नज़र आता है स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ रैप करने के बाद, कैमरा लगने के बाद, यहाँ पर अपनी पूरी डैशबोर्ड में इंटीरियर के सीट कवर लगने के बाद प्रीमियमनेस आ रही है। बाकी भाई जो इसका आर्मरेस्ट है इस पर भी वो सेम कलर का ये वाला इंटीरियर डिज़ाइन चढ़ने लग रहा है इसके ऊपर, जो कि लेदरराइट फिनिश के अंदर आएगा प्रॉपर इसी कलर के अंदर। भाई काफ़ी प्रीमियमनेस आ जाती है गाड़ी के अंदर अगर आप ये सारा काम करवा लेते हो ना, एमए साइड लग चुकी है, स्टीयरिंग पे सेम इंटीरियर के जैसा डिज़ाइन हो रखा है, मज़ा बांध देती है भाई गाड़ी। तो कहने का मतलब भाई डेल्टा प्लस को आज पूरा का पूरा टॉप से भी ऊपर कर दिया, क्योंकि भाई जो लेदराइट फिनिश वगैरह आप देखते हो डैशबोर्ड पे साइड में डोर्स वगैरह पे आपको भाई कंपनी नहीं देगी, ये खाली आपको आफ्टर मार्केट ही मिलने वाली है, बट लेकिन आफ्टर मार्केट में भी अगर आप कराते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में देखने के लिए मिल जाती है अगर आप प्रमोद कार सीरीज पे अपनी गाड़ी लेके आते हो। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है सारी चीज़ें लगने के बाद ना, मज़ा आ जाता है। और बाकी हेडलाइट इसके अंदर एलईडी वगैरह मिल जाती है कंपनी से, बाकी अगर आपको बेस मॉडल के अंदर एलईडी डलवानी है तो वो भी डल जाएगी, क्योंकि भाई जो फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल आता है ना उसके अंदर अपनी हेलोजन लाइट आती है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे लाके एलईडी इंस्टॉल करा सकते हो। तो भाई उससे ये रहेगा कि काफ़ी ज़्यादा रात के टाइम पर थ्रो अच्छा मिलता है हाईवे पर अपने को, और बाकी फ्रॉन्क्स की लुक तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है। तो चलो भाई काम तो आपने सारा का सारा देख लिया, एक बार आपको जरा फ्रॉन्क्स के ओनर से मिलवाता हूँ और उनका रिव्यू लेते हैं काम वगैरह कैसा लगा। तो भाई अभी आपने फ्रॉन्क्स के अंदर काम तो देख लिया है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अपने साथ दिनेश भैया, कैसे हो भैया? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ जी दिनेश। तो भैया आज आप आयो उस प्रमोद कार सीरीज पे फ्रॉन्क्स लेके, कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से, तो भैया आपने वीडियो वगैरह देखी थी या डायरेक्टली आ गए थे आप? नहीं मैं करोल बाग आया हुआ था। अच्छा, मैंने देखा एक फ्रॉन्क्स यहाँ पे अपडेट हो रही थी। हाँ, तो उसको देखा काफ़ी अच्छा इन लोगों ने किया, तो फिर मैंने भी फ्रॉन्क्स ली तो मैंने डिसाइड करा कि मैं भी इनसे करूँ। ओके ओके, तो भैया अभी आपने फ्रॉन्क्स को बिल्कुल प्रीमियम मॉडिफाइड कराया आपने। हाँ, ऑलमोस्ट ये टॉप मॉडल। हाँ, सेंटर का मॉडल था ये डेल्टा प्लस, बट लेकिन अब टॉप से भी ऊपर बन चुकी है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी है। तो भी आपने कितने पैसे खर्च करे होंगे टोटल फ्रॉन्क्स के अंदर? अभी बिल बन रहा है, मुझे लग रहा है
अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास। तो भैया 40,000 में ये सारी प्रीमियम चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, जो आपको टॉप मॉडल के अंदर भी नहीं मिलेगी देखने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो भैया अभी आपने जो काम देखा इनका प्रमोद वालों का, तो कैसा लगा काम आपको? काम अच्छा है, कोई दो राय, काम बढ़िया, अच्छा काम है। मेरी एक पुरानी भी गाड़ी है। अच्छा, वो भी मैं लेके आऊंगा इनको, उसको अपडेट कराने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वही कहने का मतलब, दिनेश भैया पहले एक फ्रोंक्स को देख के गए थे काम होते, फिर अपनी फ्रोंक्स लेके आए और भैया को अपनी गाड़ी के अंदर भी काफी बढ़िया काम मिला है। तो भैया सर्विस वगैरह कैसी लगी इनकी? अच्छी है, अच्छी सर्विस, अच्छी है, वेल बिहेव्ड है। ओके, और बाकी चीजों को ठीक से समझाते हैं, अच्छी। ओके ओके, तो 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? जितनी हाईएस्ट हो सकती है 10 में से भैया, 10 on 10। और भैया आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह उसको रिकमेंड करोगे आके काम कराए? निश्चित रूप से। हम खुद सेटिस्फाई होंगे तो दूसरों को जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो भाई यही था, आपने दिनेश भैया फ्रॉन्क्स लेके आए और प्रॉपर काम मिला जैसा भैया सोच के आए थे, उससे भी ऊपर ही मिला हुआ एक टाइप से। अच्छा, तो भाई यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको भाई फ्रॉन्क्स या अंदर काम कराना है, आ सकते प्रमोद का रेस सीरीज पे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।